एवरीवन, माय नेम इज शैली राजपूत। वेलकम टू डिजाइन गोरिदम। आज हम एक डाइनिंग टेबल स्केचअप में मॉडल करना सीखने वाले हैं, कुछ इस तरीके की। बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। वैसे तो बहुत सारे ऐसे मॉडलिंग के वीडियोस ट्यूटोरियल्स आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि मैंने स्केचअप को लॉन्च किया हुआ है, और वेलकम विंडो पर आपको इस समय यहाँ से आप कोई भी एक टेम्पलेट चूज कर सकते हो। मैं सिंपल टेम्पलेट चूज करूंगी जिसमें जो यूनिट का सेटअप है वो इंचेस और फीट है। इसके अलावा अगर आप मीटर में काम करना चाहते हो तो आप सिंपल मीटर वाला टेम्पलेट चूज कर सकते हो, या फिर आप मोर टेम्पलेट में जाके इसके अलावा भी बहुत सारे टेम्पलेट में से कोई भी टेम्पलेट चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल पे क्लिक कर देती हूँ। अब ये लॉन्च हो चुका है सॉफ्टवेयर, और इसे हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पर डिलीट का बटन प्रेस करके सिलेक्ट करके। और एक बार यूनिट्स आप चाहो तो यहाँ से मॉडल इन्फो में जाके चेक कर सकते हो। इस पर क्लिक करके आप यूनिट्स में जाओगे और यहाँ पे आपको फॉर्मेट के अंदर जो भी यूनिट में काम करना चाहते हो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, इनकेस आपने टेम्पलेट में चूज नहीं किया है। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। हमें टेबल यहाँ पे ड्राफ्ट करनी है या मॉडल करनी है, तो उसके लिए मैं रेक्टेंगल टूल को यहाँ पे पिक करूंगी। डाइनिंग टेबल फॉर फोर हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो साइज लूंगी, मैंने क्लिक करके ड्रैग किया है रेक्टेंगल को, और नीचे आप देखेंगे यहाँ पे डायमेंशन वाला जो स्लॉट है, यहाँ पे हम यूनिट के अंदर डायमेंशन के अंदर वैल्यू देंगे 4 feet 6, 2 feet 8 एंड एंटर। तो ये हमारा डाइनिंग टेबल का कुछ इस तरीके का साइज यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको ये कॉर्नर्स को थोड़ा राउंड करना है, तो राउंड करने के लिए हमारे पास क्या ट्रिक है, विदाउट एनी प्लग इन हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2-point arc है इसको हम यूज करके ऐसा करने वाले हैं। तो 2-point arc को आप पिक कर लीजिए, एज पे क्लिक करके सेकेंड एज पे क्लिक करेंगे जहाँ पे वो बोले टेंजेंट टू एज, और डबल क्लिक करेंगे तो ये उसको साथ के साथ शेड ऑफ मतलब हटा भी देगा उतने पार्ट को। अब आपको करना ये है कि हर तरफ आपको ऐसे ही डबल क्लिक करते जाना है, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो टेबल होगी, जो कॉर्नर्स होंगे टेबल के, वो अपने आप ही राउंड हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी ट्रिक है, इजी ट्रिक है, जिसमें आपको बिना कोई एफर्ट के आप अपने जो भी कॉर्नर्स हैं उनको फिलेट कर सकते हो विद सम रेडियस। अब इतना बनने के बाद हमें लेग्स के लिए प्रॉपर मार्किंग करनी पड़ेगी। तो प्रॉपर मार्किंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे ताकि ये हमारे आगे की ज्योमेट्री में इंटरफियर ना करे। तो इसको हम ट्रिपल क्लिक करके राइट क्लिक करके मेक ग्रुप पर क्लिक करेंगे, तो ये ग्रुप बन गया यहाँ पर। अब टेप मेजर टूल ले लेते हैं। टेप मेजर टूल या तो आप यहाँ टूल बॉक्स से ले सकते हो, या फिर टी प्रेस करके कीबोर्ड पर आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो टेप मेजर टूल को। और अब हम यहाँ से मार्किंग लेंगे, यहाँ से मैं 5 inch की मार्किंग ले रही हूँ और एंटर कर रही हूँ। दूसरी तरफ से भी 5 inch की मार्किंग लेके एंटर कर रही हूँ। यहाँ से मैं 8 inch की मार्किंग ले रही हूँ, और इस तरफ से भी मैं 8 inch की मार्किंग ले रही हूँ। इतना याद रखना है आपको कि जब हम मार्किंग लेते हैं तो हमारी एक्सिस प्रॉपर होनी चाहिए। यहाँ पैरेलल टू आप देख सकते हो, ये जो मार्कर मेरा चल रहा है ये रेड के पैरेलल चल रहा है। तो अगर ये किसी भी और डायरेक्शन में चल रहा है तो समझ जाइए कि गलत मार्किंग होने वाली है आप, ठीक है। तो ऐसे नहीं, आपको पैरेलल टू, अभी आप इस तरफ ले रहे हो तो पैरेलल टू आपका ये जो है रेड एक्सिस पे जाना चाहिए। 8 और एंटर करेंगे, ये मार्किंग यहाँ पर हो गई है। स्पेस बार से आप कमांड से बाहर आ सकते हैं। अब आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है लेग्स के लिए। बेसिकली हम यहाँ पे हमने ये पॉइंट मार्क करा है, हमें ये इंटरसेक्शन पे सर्कल ड्रॉ करना है और उसके आगे फिर काम करेंगे। यहाँ पे सर्कल ले लेते हैं हम, इस इंटरसेक्शन से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। रेडियस हमको लेग्स के हिसाब से रखनी है, तो तकरीबन मैं यहाँ पे रेडियस 2 inch की रख रही हूँ। एंटर कर रहे हैं। अब हम चाहें तो इसको हर एक कॉर्नर पे कॉपी कर सकते हैं, तो कॉपी करने के लिए मूव को प्रेस करो, मूव की को और कंट्रोल को एक बार प्रेस कर दो, और इसको हम यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख देंगे और कमांड से एक बार बाहर आ जाते हैं। ये सिलेक्टेड है, कंट्रोल प्रेस करके रखो और इसको सर्कल को भी सिलेक्ट कर लो। अब दोनों सिलेक्टेड है, अब मूव और कंट्रोल प्रेस करेंगे हम और यहाँ सेंटर इंटरसेक्शन से उठा के और यहाँ पे रख देंगे। स्पेस बार प्रेस करके कमांड से बाहर आ जाते हैं। अब हम ये जो गाइडलाइंस हैं जो हमने टेप मेजर टूल को यूज करके बनाई थी उनको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट प्रेस करके हम डिलीट कर देते हैं, इनकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है। इस टेबल को हम ऊपर मूव कराएंगे,
मूव को प्रेस करो, यहाँ से पिक कर लेते हैं हम कॉर्नर से और ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, और टेबल की हाइट लगभग 2 फुट 8 इंच होती है, तो 2 फुट 8 हमने यहाँ पे टाइप कर दिया नीचे वैल्यू वाले स्लॉट में। और अब हम दोबारा से टाइप कर लेती हूँ मैं, 2 फीट 8 एंड एंटर, हिट एंटर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मूव कराने के बाद के जो हमारे 3 सर्कल हैं उनके फेस बने ही नहीं है, हमने कॉपी किया था लेकिन शायद हमने सिर्फ आउटलाइन को ही कॉपी कर दिया और अंदर का रह गया था। तो या तो हम दोबारा से कर लें, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है GHS पावर बार, जो कि एक प्लगइन होता है, और इसको कैसे प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है और कैसे उनको यूज़ करना है मैंने ये ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में बताया है, GHS को पूरा यूज़ करके भी दिखाया है। तो ये प्लगइन को आप यूज़ करके फेस को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। कैसे करना है आपको, फेस को इसको आउटलाइन को सिलेक्ट करना है और फेस फाइंडर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो आप फेस क्रिएट हो गया, ऐसे ही आप इनको भी सिलेक्ट करके और फाइंड फेस पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये फेसेस क्रिएट हो गए हैं, और अब हम इनको भी क्या करेंगे ऊपर की तरफ, और टाइप करेंगे 2 फीट 7 एंटर, और डबल क्लिक करेंगे। अब हम बार बार वैल्यू नहीं देंगे, ये हमने डबल क्लिक करके यहाँ तक लिया है। मैंने इतना ही इसलिए रखा है क्योंकि मेरे को टेबल की थिकनेस भी बनानी है। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करके, क्योंकि ये ग्रुप में है तो हमने इसको डबल क्लिक किया है, और अब हम इसको नीचे की तरफ 1 इंच फुल कर लेंगे, तो एग्जैक्टली इसके ऊपर टॉप पे इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, जैसे ट्रिपल क्लिक करके इस लेग को सिलेक्ट करके ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, सेम मेक ग्रुप, ट्रिपल क्लिक, मेक ग्रुप, ट्रिपल क्लिक, मेक ग्रुप, ये चारों ग्रुप में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम बंद कर देते हैं। और अब हम आएंगे टॉप व्यू में, यहाँ ऊपर जो हमारे पैनल है हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, इसमें हम टॉप व्यू में जाएंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम एक काम कर सकते हैं, ये टैग्स को अगर आपने यूज़ करना आप जानते हैं, तो मैंने वैसे पिछले अपने वीडियोस में इसको यूज़ करना भी बताया है। तो यहाँ से मैं एक टैग बनाती हूँ, और टेबल टॉप हम इसको बल्कि टॉप ही बोल देते हैं बस, और ये जो टॉप है इसको हम यहाँ से अनटैग की जगह टॉप को असाइन कर देते हैं, और हम क्या करेंगे इसकी विजिबिलिटी को ऑफ कर देंगे। तो अब हमें क्या दिख रहे हैं, सिर्फ लेग्स दिख रहे हैं, लेग्स दिख रहे हैं। और हम अभी अगर मैं आपको कैमरा के अंदर जाके दिखाऊं तो हम पर्सपेक्टिव जो व्यू है उसमें है, तो हम यहाँ पे पैरेलल प्रोजेक्शन में आ जाते हैं ताकि हमें सिर्फ इसका टॉप दिखाई दे। और अब हम रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मेंबर क्रिएट करना है, सपोर्टिंग मेंबर। तो यहाँ से हम क्लिक करके और ड्रैग करेंगे कुछ इस तरीके से, ये हमारा रेक्टेंगल यहाँ पे बन चुका है। इसको हम पहले तैयार कर लेते हैं, पुल कर लेते हैं इसको, यहाँ पे मैं इसको 3 इंच पुल कर रही हूँ, एंटर। हमें इंचेस का मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये स्मॉलेस्ट यूनिट इंचेस को ही मेजर कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पे 3 इंच का हमने इसको बना लिया है। वापस से टॉप व्यू में जाते हैं हम एक बार, और सेम हम यहाँ पर भी तैयार कर लेते हैं एक, हम बहुत एक्यूरेटली भी इसको बना सकते हैं चाहें तो, लेकिन अभी हम इसको सिंपल वे में कैसे आप एक टेबल को मॉडल कर सकते हैं हम वो बनाना सीख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे भी इसको भी मैं 3 इंच ही पुल करूँगी, यहाँ पे ये दो पैनल हमारे तैयार हैं, इसको मैं ट्रिपल क्लिक करके और ग्रुप बना लूँगी ताकि ये एक साथ एक बार में पूरा ही मूव कॉपी हो सके या रोटेट हो सके। इसको भी मैं ट्रिपल क्लिक करके मेक ग्रुप पे क्लिक कर दूंगी। तो ये वाला जो मेंबर है वो हमें यहाँ पे चाहिए, और ये वाला मेंबर हमें यहाँ पे भी चाहिए। तो या तो हम कॉपी कर दें इसको यहाँ पर, प्रिसाइसली इसको यहाँ पे कॉपी कर दें, या फिर हमारे पास एक प्लगइन होता है जैसे कि मैंने बताया GHS पावर बार होता है, जो कि बड़ा अच्छा प्लगइन है और फ्री प्लगइन है, उसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो कैसे करना है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अभी हम नॉर्मल जो तरीका है उससे देखते हैं, तो पहले टॉप व्यू कर लेते हैं इसको, और टॉप व्यू के अंदर हम क्या करेंगे इसे सिलेक्ट करेंगे, और कॉपी मोड ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉपी मोड ऑन करने के लिए मूव को प्रेस करना है, एम को प्रेस करना है, या मूव टूल आप यहाँ से भी ले सकते हो,
और कंट्रोल को एक बार प्रेस करना है, तो कॉपी मोड ऑन हो गया, सिलेक्टेड है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ से इसको उठाएंगे इस एंड पॉइंट से, और यहाँ पे आके इस एंड पॉइंट पे हम इसको प्लेस कर देंगे। तो ये इजीली कॉपी हो गया यहाँ पर। ऐसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे और एम प्रेस करेंगे और कंट्रोल एक बार प्रेस करेंगे, कॉपी मोड ऑन हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ से उठाएंगे और हम इसको यहाँ पे एंड पॉइंट पे प्लेस कर देंगे। और अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो ये बड़े इजीली यहाँ पे प्लेस हो गया है। और दूसरा तरीका भी हम एक बार देख लेते हैं कि प्लगइन को यूज़ करके हम इजीली कैसे इसको कॉपी कर सकते हैं या यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। आपके पास जेएचएस पावर बार है जो कि एक फ्री प्लगइन है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसका जो लिंक है वो आपके साथ शेयर कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, और उसके अंदर से आप जाके देख सकते हो कि कैसे इसको इंस्टॉल करके और यूज़ करना है। तो ये वापस से खोल लेते हैं। इसमें कमांड है हमारे पास मिरर, अमेजिंग कमांड है मिरर कमांड। आपको जैसे ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, इसको मैं मिरर करना चाहती हूँ, तो मिरर मैंने क्लिक किया और अब मुझे उसको फर्स्ट पॉइंट मिरर का बताना है, सेकंड पॉइंट मिरर का बताना है और थर्ड पॉइंट मैंने इसको व्यू में घुमा दिया है, ऑर्बिट कर दिया है, ताकि ये एग्जैक्टली मुझे सही जगह पे प्लेसमेंट दे दे। तो यहाँ पे इसने बड़ी आसानी से इसको मिरर कर दिया। सेम मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, मिरर का टूल पिक करूँगी और अब मुझे इसके मिड से इसको मिरर करना है। तो यहाँ पे क्लिक किया, पॉजिटिव ग्रीन की तरफ गए और पॉजिटिव ब्लू की तरफ गए, तो यहाँ पे भी उसने इसको बड़े इजीली प्लेस कर दिया, राइट। अभी हमें क्या करना है, एक बार हम टॉप को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर टॉप हमारा बन चुका है और कनेक्शन ठीक से बैठ गई है। अब ये जो लेग्स हैं इनको हम चाहें तो, जैसे ये इतने हमें नीचे से इनको पॉइंटेड करना है, सबसे पहले हमें इसके अंदर जाना पड़ेगा ग्रुप के अंदर, और सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है नीचे वाले पार्ट को और स्केल टूल ले लेना है। अब आपको ऑल्ट की को प्रेस करके रखना है और फिर इसको अंदर की तरफ श्रिंक करना है, स्केल करना, मतलब अंदर की तरफ ड्रैग करना है माउस से, और फिर रिलीज कर देना है। कीबोर्ड से भी आपको हाथ रिलीज कर देना है और यहाँ से आपको कमांड से बाहर आ जाए, ये लेग आपका बन के तैयार हो जाएगा। अब बजाय इसके कि हम हर एक को अलग अलग इंडिविजुअली स्केल करें, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक लेग हमारा तैयार है और हम इसको मिरर कर दें या कॉपी कर दें, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हम अभी के लिए डिलीट ही कर देते हैं। बेस्ट ऑप्शन इज टू डिलीट दीज लेग्स। और अब हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और मिरर टूल एक बार फिर से ले लेते हैं, और मिरर के लिए हम ये मिड से लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन इन द सेम एक्सिस और पॉजिटिव ऑन ब्लू एक्सिस, तो यहाँ पे ये प्लेस हो गया। ऐसे इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे, मिरर टूल एक बार फिर से लेंगे, यहाँ का मिड लेंगे, यहाँ से ले लेते हैं हम, पॉजिटिव टुवर्ड्स ग्रीन एक्सिस एंड पॉजिटिव टुवर्ड्स ब्लू एक्सिस, तो यहाँ पे ये भी हमने प्लेस कर दिया। कुछ इस तरीके से हमारा टेबल का डिज़ाइन तैयार है। अब हमें करना ये है कि इस पे मटेरियल लगाना है। तो मटेरियल कैसे लगाते हैं, हमारे पास मटेरियल का यहाँ पे पैलेट है। अगर वो आपका ओपन नहीं है तो आप विंडोज़ में जाके डिफ़ॉल्ट ट्रे के ऊपर इसको यहाँ से ऑन कर सकते हो। ये जो जितने भी टिक्ड है वो अभी मेरे यहाँ पे ट्रे के ऊपर खुले हुए हैं। तो यहाँ से हम मटेरियल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे इसके अंदर कैटेगरीज है अलग अलग, तो मुझे कैसा चाहिए यहाँ पे टॉप, उस हिसाब से मैं यहाँ से चूज कर सकती हूँ। जैसे मेरे को मान लो मार्बल का टॉप चाहिए, तो ये मैंने स्टोन वाले स्लॉट में आकर कोई भी जो भी मेरे को जिस तरीके का भी टेबल टॉप चाहिए वो मैंने सिलेक्ट किया। ये बकेट यहाँ पे तैयार हो गई है, इसको मैंने ऐसे क्लिक कर दिया तो ये टेबल टॉप मेरा मार्बल का बन गया। और इसी तरीके से अगर मैं वुड का मटेरियल लगाना चाहूँ तो वुड की कैटेगरी में आना है मुझे, और यहाँ से जो भी वुड मुझे पसंद है उसको मुझे चूज करना है और फिर बस उसको मेरे को ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे ड्रॉप कर देना है बकेट को। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारी टेबल बन के तैयार है। यहाँ कैमरा व्यू में जाके पर्सपेक्टिव को ही ऑन कर देती हूँ और आप देख सकते हो कितनी आसानी से हमने ये टेबल यहाँ पे बना ली है। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि जेएचएस पावर बार एक ऐसा प्लगइन है जिसमें कि
जो लिमिटेशंस हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं स्केचअप के रेगुलर सॉफ्टवेयर के अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं यूज़ कर पाते हैं या करना चाहते हैं और हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, तो JHS के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपके काम को और ईजी कर देती हैं। तो इस प्लगइन को आप ज़रूर यूज़ करके देखना। तो मुझे लग रहा है कि आज का वीडियो देखकर आप भी ये टेबल मॉडल कर पाओगे, तो इसको ट्राई करना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है, तो लाइक का बटन प्रेस करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड कीप वॉचिंग डिज़ाइन गोरिदम। बाय बाय।